जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के DB की डेट आ चुकी है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि टोटल 2832 बच्चों का DB होगा, ठीक है। जैसा आपको पता है कि DB की कट ऑफ बहुत पहले आ चुकी थी, मगर साथियों DB की डेट निश्चित नहीं थी, तो आज दोस्तों DB की डेट भी निश्चित हो चुकी है। और ये भी बताया गया है कि दोस्तों कब कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। और ये DB जो है ना, वो 30 मई से लेकर के 16 जून तक होगी। कब तक होगी? 30 मई से लेकर के 16 जून तक होगी। कहाँ पर होगी दोस्तों? सभी का लखनऊ बुलाया जाएगा, जो इसका मुख्यालय है UP SSC पिकअप भवन तृप्ति तल गोमती नगर में, ठीक है। हर एक चीज़ पर बात करें दोस्तों। एक चीज़ और बताते हैं कि भैया, आप सभी ना, अभी आप कहेंगे सर कि DB के बाद कितना बढ़ सकता है कट ऑफ, तो उसके लिए मैंने पहले से इंतजार कर रखा। देखिए, ये वीडियो हमने बना रखी है, ये देख सकते हैं आप कि इतने अंक बढ़ सकते हैं। फाइनल कट ऑफ में क्या लिखा? UP SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन फाइनल कट ऑफ 2023 जो 486 पदों पर, कि जनरल SC ST OBC EWS गर्ल्स सबके लिए दोस्तों बताया गया है। मैंने बताया है कि फाइनल कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है, कितने नंबर जो आपकी कट ऑफ लगी है DB में आपको बुलाया जाएगा, तो कितनी और चढ़ सकती है आपकी कट ऑफ। तो इन सभी दोस्तों अगर इतने क्वेश्चन होंगे, आपकी जॉब पक्की होगी। इसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा कि टेक्नीशियन कट ऑफ ज्ञान RBL, ठीक है। या फिर लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा मैं। वीडियो जरूर देखिएगा कट ऑफ वाली, ठीक है। अगर उतने अंक है आपके तो फाइनल आप समझिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यह है आज का नोटिफिकेशन, क्या है? उत्तर प्रदेश है ना, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, ठीक है। पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर, ये आपका दिया हुआ है। देखिए क्या है, मेन चीज़ पे आप बात करते हैं। इसमें लिखा, आयोग के विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2019 के सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पदों सापेक्ष ना कितने बच्चे बुलाए गए हैं? 2832। कितने? 2832 अभ्यर्थियों के अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम दिनांक 3/3/2023 को जारी होता है, यानी 3 मार्च को दोस्तों ये चीज़ें जारी हुई थी। आप देख सकते हैं, मार्च बीत चुका है, अप्रैल बीत चुका, मई में आ गए, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है, तदनुक्रम में विज्ञापन संख्या इतने में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए दोस्तों आपको बता दें कि जो भी बच्चे अहर पाए गए अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित 2832 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण कहाँ होगा? तो यह एड्रेस देख लीजिएगा, जिसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिका भवन भू विभूति खंड गोमती नगर, ठीक है। यहीं पर आपको, यहाँ लखनऊ में यहीं पर आपकी ये चीज़ें आयोजित होंगी। कब कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं दोस्तों? तो आपको बता, दो पाली में बुलाए जा रहे हैं। कितने? दो पाली में, प्रत्येक दिन दो पाली में, यानी टोटल 200 बच्चे रोज बुलाए जाएंगे। 30/5/2023 को दोस्तों 100 बच्चे प्रातःकाल 10 बजे, और दोस्तों 100 बच्चे दोस्तों शाम को 1:30 बजे, 200 बच्चे प्रतिदिन। फिर दोस्तों 31 को होगा इसी तरीके से, फिर 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 फिर 4 को छुट्टी होगी इनकी, 5 को, फिर 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, फिर दोस्तों 10-11 छुट्टी कर देंगे, फिर 12-13-14 को, फिर दोस्तों 15 और 16 को। यानी कि अगर टोटल आप देखते हैं तो फिर दोस्तों कितने बच्चे टोटल? देखिए 2832 बच्चों को बुला ले जाएगा दोस्तों रेगुलर, दोस्तों 200-200 बच्चे कर करके, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अभिलेख अहर्ता, देखिए अहर्ता अभिलेख परीक्षा हेतु चिन्हित समस्त विद्या अभ्यर्थियों को तदव द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो है अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। देखिए और भी चीज़ें, देखिए जो आपका DB के लिए दोस्तों जो लेटर होगा ना, मतलब आप एडमिट कार्ड जिसको बोलेंगे, उसके साथ और भी पेपर होंगे जिनको आपको भर के ले जाना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको दोस्तों ये होम पेज से मतलब आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पूरा अच्छे से भर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कहा गया कि अहर अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों के समस्त देखिए शैक्षिक जो अभिलेख हैं, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र यानी जो शैक्षिक वाले लगे हैं वो, आरक्षण संबंधी यानी अगर SC ST OBC हैं उनको दोस्तों वायु, देखिए आयु में स्थिरता में समर्थन पाने हैं, तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों को मिलान सत्यापन और गहनता से परीक्षण किया जाएगा। दोनों चीज़ें लेकर आना, दोस्तों छायावृत्ति ले आना और मूल प्रमाण भी लेकर आना। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र और एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं छाया प्रतियों के साथ डाउनलोड किए हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अन्य 4 प्रपत्रों
मैं वंचित प्रतिशत अंकित कर देखिए जो चार और चीज़ें होंगी प्रपत्र दोस्तों उनको भर के आपको निर्धारित समय दोस्तों यहीं पर आपको उपलब्ध होना है। ठीक है, अगला क्या लिखा है कि अगर दोस्तों अभ्यर्थी सूचित किया था कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को दोस्तों अभिलेख में उपस्थित नहीं होगा, इसकी जानकारी लिखित रूप से उसको दे करके दोस्तों वो 15 तारीख को दोस्तों 15/6/2023 की शाम को 5 बजे तक आयोग को दी जाती है दोस्तों। आयोग की अनुमति के उपरांत उसे 16 को भी बुलाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ हमने बताई है। अब देखिए जो कट ऑफ की वीडियो है कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी कितनी घटेगी उन पे हमने वीडियो बनाया है, मैं दोबारा कह रहा हूँ एक बार आपको ये कट ऑफ जरूर देखनी चाहिए। कहाँ कहाँ इसका लिंक मिलेगा ये तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन कट ऑफ फाइनल कट ऑफ ज्ञान RBL, या फिर दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर दोस्तों पिन बॉक्स में भी हम कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन हैं आपको दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।